महासमुंद जिला के पिथौरा स्थानीय कृषि उपज मंडी में आज 15 जून को लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, सांसद चुन्नीलाल साहू, विधायक शिवरतन शर्मा, पूर्व प्रदेश मंत्री शंकर अग्रवाल, जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित थे। लाभार्थी सम्मेलन में पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भाजपा सरकार गांव गरीब किसान के विकास के लिए सतत कार्य कर रही है। आम जनता की मूलभूत आवश्यकता आवास, शौचालय, पेयजल हेतु घर घर नल, किसान हेतु किसान सम्मान निधि, आयुष्मान स्वास्थ्य सहित अनेक योजनाएं केंद्र की सरकार चला रही है। कोरोना के विकट काल में गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मुफ्त दिया, करोड़ों लोगों को मुफ्त में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई। उन्होंने कहा कि पूरे देश से कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जानबूझकर प्रदेश के लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ देने में रोड़े अटका रही है। लाखों आवास वापस चले गए, पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप्प पड़े हैं। रेत माफिया, भू माफिया हावी है, रोज प्रदेश में अपराध घट रहे हैं। सभा को वरिष्ठ भाजपा के पदाधिकारियों ने भी केंद्र सरकार की जन कल्याण योजना और राज्य सरकार विफलताओं को बताया। उक्त सम्मेलन में प्रदेश जिले की भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता गण काफी संख्या में उपस्थित रहे। पिथौरा से संवाददाता गौरव चंद्राकर, महासमुंद जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। बेमिसाल और मोदी सरकार ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें सबके लिए जो योजनाएं लाई हैं, वो छत्तीसगढ़ में आकर सब योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। भूपेश बघेल की सरकार खाली एक काम कर रही है कि गांव-गांव में दारू बिकवा रही है। गरीबों का आवास छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। गांव-गांव का पीने का पानी छीनने वाली कोई सरकार है तो भूपेश बघेल की सरकार है। गरीबों की केंद्र की योजनाओं का अगर छीनने वाला कोई है तो भूपेश बघेल की सरकार है। भूपेश बघेल की सरकार चरस, अफीम, गांजा, कोकीन स्कूलों में, कॉलेजों में बिकवाकर और हमारी नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। भूपेश बघेल की सरकार कंगाल है, बदहाल है, बेहाल है, दिवालिया है। उसके पास में गड्ढे भरने के लिए पैसे नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ का विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। ना गांव में काम हो रहा है, ना शहरों में काम हो रहा है। आज किसान परेशान है कि उसको यूरिया नहीं मिल रही है, उसको DAP नहीं मिल रही है, उसको जबरदस्ती 3 बोरी और वर्मी कंपोस्ट के नाम पर मिट्टी मिली हुई गोबर उनको खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ की जनता और किसान इसका बदला लेंगे और 2023 में फिर से BJP की सरकार बनाएंगे। तो BJP की सरकार 2023 में क्यों बनी और क्यों बनी की मतलब लोगों ने 15 साल BJP की सरकार का काम देखा है। आज पूरा छत्तीसगढ़ जो कुछ दिखाई देता है, पूरे देश में अगर सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य कोई बना था तो छत्तीसगढ़ राज्य बना था। आज भूपेश बघेल की सरकार उस राज्य को कंगाल कर रही है। जो BJP की सरकार में 15 साल में काम शुरू हुए थे वो काम अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं और नया काम तो कोई हो ही नहीं रहा है। और इसलिए जनता जो है भूपेश बघेल सरकार का, जो ये अगर कहेंगे तो इनके जितना लबारी मारने वाला मुख्यमंत्री कोई दूसरा नहीं है, इसलिए इस मुख्यमंत्री को और इस सरकार को जनता उखाड़ कर फेंकेगी। सर, लगातार छत्तीसगढ़ में खाद, यूरिया खाद, रासायनिक खाद जो है उसकी कालाबाजारी हो रही है और समय पर खाद उपलब्ध किसानों को नहीं हो पा रही है। खास करके महासमुंद जिले की बात करूँ तो विपक्षी भूमिका जो है मजबूत नहीं दिखाई दे रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महासमुंद नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में आज किसान यूरिया के लिए, DAP के लिए मारे मारे भटक रहा है। आज पानी गिर गया, अब लोग अपनी खेती किसानी शुरू करना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। जब बाजार में प्राइवेट लोगों के पास में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है तो सरकार की सोसाइटियों में उपलब्ध क्यों नहीं है? अगर इसको ब्लैक मार्केटिंग कोई करवा रहा है, अगर इसकी किल्लत कोई पैदा कर रहा है तो इस सरकार के संरक्षण में हो रही है। उसको लेकर सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, आज महासमुंद जिले की सभा हुई, इसमें लाभार्थी लोग थे। सभी लोगों ने इस 8 सालों में कोई ना कोई लाभ प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल जीवन योजना हो, 5 किलो अनाज की योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, ये सारी योजनाओं का कहीं ना कहीं किसी को लाभ मिला है। और वो सब लोगों ने आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को याद किया
और सभी ने संकल्प लिया कि आने वाले 2023 में फिर से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे, 2024 में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। ये आज सबने फैसला लिया है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें किन मुद्दों को लेकर के आप जनताओं के बीच में जाएंगे, वोटरों के बीच में जाएंगे? प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार, अपराध, गांजा तस्करी करने वाले लोग, केंद्र की योजना रोकने वाले लोग, प्रधानमंत्री योजना आवास योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि राज्य सरकार अंश नहीं दे रही है, तो केंद्र की अनेक योजनाओं को रोकने का काम कर रही है और इसको लेकर जो है लोगों के बीच में एक आक्रोश है। एक तरफ मोदी जी धान का समर्थन मूल्य बढ़ाते हैं, 2060 रुपया कर देते हैं, लेकिन ये 2500 रुपया किसान को रुला रुला कर देते हैं। लेकिन मोदी जी जो है किसान सम्मान निधि जो है वो सही समय में, समय का निर्धारण है और साल में 3 किस्त देते हैं, लगभग 2,00,000 करोड़ रुपया अभी देश के किसानों के खाते में चल दिया है। हर वर्ग के लिए जो मोदी जी काम कर रहे हैं उसी बात को लेकर जो है हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की जो विफलता है उसको लोगों को बता रहे हैं।